सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को, और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। यूपी स्कॉलरशिप की जो लास्ट डेट है वो 15 दिसंबर को ख़त्म हो चुकी है। लास्ट डेट 15 दिसंबर थी, और इस बारे में बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने कि अभी फॉर्म नहीं भरा है या जिनका पूरा नहीं हो पाया है किसी कारणवश, बहुत सारे जो छात्र हैं वो पूछ रहे हैं कि क्या इसकी डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, डेट बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी। इसी बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इसकी डेट में दोबारा से कोई बदलाव होगा या नहीं होगा, दोबारा से जो पोर्टल है वो शुरू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और क्या कुछ इसमें जानकारी है पूरी आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो लेटेस्ट न्यूज़ का जो यहाँ पे एक आपको मिलता है, इस यहाँ पे चल रहा है लेटेस्ट न्यूज़ का, तो इसमें आप देख सकते हैं टाइम टेबल फॉर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 2021 डेट, और इसी के साथ में इसमें रिवाइज टाइम टेबल भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का चल रहा है, और इसी तरह इसमें ये दो तीन बार जो है रिवाइज हो चुका है। तो अब ये फिर से रिवाइज होगा या नहीं होगा इस बारे में आपको बता देते हैं। और इसी के साथ में जब अभी आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो यहाँ इस तरह से एक मैसेज आ रहा है, लास्ट डेट एंडेड फॉर द प्रोसेस, यानी कि लास्ट डेट जो है ख़त्म हो चुकी है, अंतिम तिथि इसकी आ चुकी है जो कि निकल गई है। और अभी तक बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने भरा नहीं है, जो स्कॉलरशिप पोर्टल पर उनका फॉर्म है वो पूरा प्रोसेस नहीं हुआ है। तो इसमें जो देख सकते हैं जो इसमें ये प्रोसेस है, बहुत बार इसमें इसको बढ़ाया गया है, इसका टाइम बढ़ाया गया है, जैसे कि ये देख सकते हैं अलग अलग समय पे अलग अलग इसमें नोटिस बार बार निकाले गए हैं, जो डेट बढ़ाई गई है ये देख सकते हैं। ये दसवीं, ये ग्यारहवीं बारहवीं का भी है और नवीं दसवीं का भी है, ये देख सकते हैं समय समय पे इसको बढ़ाया गया है। तो अभी ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन है सभी जो स्टूडेंट हैं कि इसकी अभी लास्ट डेट बढ़ाई जा सकती है या नहीं बढ़ाई जा सकती है, तो इस बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो क्योंकि दोस्तों अभी काफ़ी जो बच्चे हैं जिन्होंने कि अभी फॉर्म भरा नहीं है, तो इस बारे में जब जो स्कूल हैं, स्कूलों का जो पूरा डेटा है उसको जब विभाग द्वारा देखा जाएगा तो हो सकता है इसमें कोई जो डेट है दोबारा से इसको खोल दिया जाए कुछ दिनों के लिए, और फिर से आप जो है आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने इसमें आवेदन नहीं किया था, या फिर जिनका आवेदन रिन्यू होना था, जिन्होंने रिन्यू भी नहीं करवाया है तो वो रिन्यू भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जो इसमें जो भी रिवाइज टाइम टेबल आएगा या जो भी एक्सटेंड करेगी डेट गवर्नमेंट, तो उसका जो लेटेस्ट न्यूज़ है यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही रिवाइज होता है, जो डेट बढ़ाई जाती है या दोबारा से पोर्टल खोला जाता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए या रिन्यू करने के लिए, तो हम भी वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। और फिलहाल अभी ऐसा कोई लेटेस्ट जो इसमें इंफॉर्मेशन है उसमें कहीं भी ये देखने को नहीं मिल रहा है कि टाइम टेबल जो है बढ़ाया गया है या फिर पोर्टल खोला जाएगा। अभी जो सिर्फ दिख रहा है वो इस तरह से दिख रहा है कि लास्ट डेट एंडेड फॉर द प्रोसेस, और किसी भी तरह से आप अभी इसमें रजिस्टर नहीं कर सकते या रिन्यू के लिए पेज ओपन नहीं कर सकते हैं। लॉगिन आप इसमें कर सकते हैं, लॉगिन अगर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आवेदन कर रखा है, तो लॉगिन करके आप अपनी डिटेल देख सकते हैं। लॉगिन करने के लिए पोर्टल जो है खुला है, लॉगिन करने की पूरी जो प्रक्रिया है वो अभी इसमें हमेशा खुली ही रहती है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है और रिन्यू है, रिन्यू और रजिस्ट्रेशन के लिए इसमें जो है बंद कर दिया गया है। तो अगर इसमें दोबारा से खोला जाएगा पोर्टल तो आपको वीडियो के माध्यम से सूचित किया जाएगा। और यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कोई समस्या आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। इसी के साथ आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे आप हमें ज्ञान ओके नाम से सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।